नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। फिरोजाबाद जनपद के शुकहाबाद नगर के मोहल्ला गढ़िया स्थित प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को चेयरमैन के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं युवा वर्ग की भीड़ लगी रही। प्राथमिक विद्यालय गढ़िया में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ चेयरमैन मुमताज बेगम ने किया। शिविर में 18 से 44 साल तक के लिए अलग से सेंटर बनाया गया, जबकि 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए अलग काउंटर बनाया गया। सेंटर पर अधिक भीड़ उमड़ रही थी। गुरुवार को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सुबह से ही लंबी कतारें जुड़ गई। लोग सुबह से 8 बजे से ही लाइन में लग गए। इस अवसर पर चेयरमैन मुमताज बेगम ने लोगों को समझाते हुए बताया कि वैक्सीनेशन कराकर वह खुद को कोविड से सुरक्षित रहेंगे और परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना ने भारत में ज़्यादा कोहराम मचाया, ऐसे में सभी को वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। सभी को आगे आकर वैक्सीनेट करवानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टीकाकरण से ही महामारी से मुक्ति पाई जा सकती है। शिविर में 100 से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद गुड्डी यादव, माधुरी पचौरी, आशा संगीता शर्मा, मोहम्मद मुफ्ती, ऋतुराज, मुस्कान ज्योति की टीम आदि मौजूद रही। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ अब्दुल सत्तार की एक खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वैक्सीन की मुफ्त डोज लग रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज क्या हमारे दो जब से ये कोरोना आया है, उसके बाद जब से वैक्सीन तैयार की गई है, तब से हमारी सरकार बराबर कोरोना वैक्सीन का अभियान चलाकर लोगों को फ्री वैक्सीन लगवा रही है और इसका लोगों को बहुत फ़ायदा भी पहुंच रहा है। आज हमारे मोहल्ला गढ़िया में हमने प्राथमिक विद्यालय में एक कैंप लगाया गया है और वहां पर लोगों की सुबह से भीड़ लगी हुई है। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। जो लोगों के अंदर बहता वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इस वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ लग हुई है। महिलाएं भी हैं और जैसे कि 18 साल से ऊपर के ही लोगों की लगती हैं, लेकिन उससे कम की उम्र के भी लोग आ रहे हैं। मेरा यही कोशिश करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाए, जिससे इन लोगों के भी लगे और हमारे शहर देश से ये महामारी का जो प्रकोप है वो कम हो और लोग अपनी ज़िंदगी में रूटीन में वापस लौटें और सबकी जिसकी लोगों की जो चल रहा है वो पहले के हिसाब से चले और जो परेशानियां आई कोरोना के वजह से वो सब खत्म हो। और मैं पूरे शहर की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ भी कैंप लगे हुए हैं, आप लोग बिना किसी डरे हुए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैक्सीन को लगवाएँ और इस महामारी को भगाने में पूरी पूरी मदद करें।